अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 8 और आज अफनान की फरमाइश थी कि वो लंच में बिरयानी ले जाएंगे, तो मैंने उनको लंच दिया नहीं था। मैं उनके लिए लंच बनाने आ गई हूँ, उनका टिफ़िन बना के भेजूँगी, तो उसके लिए बिरयानी बनाने जा रही हूँ। बिरयानी बिल्कुल थोड़ी सी बनाऊँगी, बस एक गिलास चावलों की। तो उसके सारा मैंने सामान ले लिया है, बस फटाफट से भगाऊंगी और यखनी बनाऊंगी, और साथ में ये भी लगी हुई है मेरा काम 10 गुना बढ़ाने के लिए। इनको कच्चे चावल खाने हैं। लो 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 लो, लो। कच्चे चावल खाती है, पके हुए चावल खाती नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से मैं बिरयानी बना के अफनान को स्कूल भेजूंगी, उसके बाद आप लोग से मिलूंगी। छोटू से भगोने में बिरयानी बना रही हूँ, यखनी बना रही हूँ सॉरी, और पहली बारी मैं इतनी कम यखनी वगैरह बना रही हूँ, इतना कम पुलाव बना रही हूँ, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। आई होप कि अच्छा बन जाए और मेरे बेटे को पसंद आ जाए। जमीन में नहीं रखते बेटा, बेड मैनर्स। इतनी आराम से बैठी हुई हैं, कुशन जमीन में रख के उस पर बैठ गई हैं। और ये मैंने अपने निकाल लिए कपड़े, मैं जा रही हूँ नहाने, और अफनान का लंच मैंने भेज दिया है। बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, अब मैं फटाफट नहाऊँगी। मैंने महरा को भी क्लीन कर दिया है, महरा भी नहा धो के फ्रेश हो गई है, और आराम से ज़मीन में लेट के मायरा अपने चिप्स खा रही हैं। हाय मायरा। हाय अल्लाह, क्या किया ये कसब, क्या किया ये, कौन समेटेगा ये बताओ। बहुत नल, बहुत बहुत गंदी बात है, मेरा बहुत बदतमीज हो गई हो, बताओ कौन समेटेगा ये। अम्मा तो नहीं समेटने वाली, कौन समेटेगा बताओ। विधि 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 विधि, ये कौन है, ये घर में कौन है। विधि 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 विधि, ये किसका नाम है घर में। विधि 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 विधि, ये आपने सारे टॉय फेंके हैं, कौन समेटेगा। बाबा, चलो ठीक है, बाबा ही को बुलाएंगे, वो ये सारे तुम्हारे टॉयज ऊपर से नीचे तक के सारे टॉयज जो हैं ये बाबा ही समेटेगा तुम्हारे। ठीक है बाबा, वो कहाँ दिखाना। टूटू, वाह, टू डॉग्स है मायरा के पास। मायरा तुम बहुत ज़्यादा नोटी हो रही हो ना, मायरा हुई बहुत नोटी ना, मायरा तो बहुत नोटी हुई हुई है आजकल, ये देखो। नहीं। क्या नहीं। मन क्या कह रही मायरा, और ये कम पड़ गए तुमको, ये इतना मैंने डाटा तो ये और टॉय निकाल के ले आई है। और एक बात फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं, मैं इसकी स्लीपर बहुत दिन से खोई भी थी, वो इन टॉयज में निकली है अभी, जब इन्होंने अपनी बास्केट के सारे टॉय बाहर निकाले तो वो ग्रीन वाली स्लीपर भी अभी निकली है, और हम लोग ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गए थे। पाप नो, गिरोगी बहुत तगड़ी चोट लगेगी, अल्लाह है। चलो गोद में, आ मोबाइल देंगे। और ये आ गई है न्यास, बच्चों का सिपारा स्टार्ट हुआ है तो न्यास करवाई है मुन्ना भाई ने, और ये ले आए हैं मिठाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज इन लोग का सिपारा मुकम्मल हुआ और नेक्स्ट जो है सिपारा स्टार्ट हो गया है। अरे अल्लाह मायरा, कहाँ लेट गई है तुम। हाय कितनी गंदी हरकतें तुम्हारे अंदर आती जा रही हैं। हाय अल्लाह, हम तुमसे बोल नहीं रहे, कट्टी मायरा नहीं बात करेंगे, आप ज़मीन में लेटी हो बोलेंगे नहीं, कट्टी बाय बाय, हम जा रहे नानी का जाएं।
उठो वरना एक मिनट में उठ जाओ, उठो पिटोगे। और ये रहा एनर्जॉल, देख कर आ रही हूँ मैं अम्मी को, अम्मी की कुछ तबीयत गड़बड़ सी हो गई है, देख के आती हूँ क्या बात है। उन्होंने जी बेटा, और ये महारानी वहीं लेटी हुई है, इनसे तो बात ही नहीं करनी है। चलिए देख कर आते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर अफनान की वर्कशीट बनाने बैठ गई हूँ और बच्चे गए हैं अपने अब्बा के साथ ज़रा ऐसी एक राउंड लगाने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे आप लोग से एक बात कहनी थी, अगर बच्चे मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो बेटा ये आपके लिए है। सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों को पकड़ने वाले निकले हुए हैं कुछ लोग, अब पता नहीं ये खबर पक्की है या नहीं, लेकिन मैं 2-3 दिन से ये खबर कंटिन्यू सुन रही हूँ कि बच्चों को बाहर मत निकलने दो, ऐसे लोग घूम रहे हैं, वैसे लोग घूम रहे हैं, बच्चों को पकड़ रहे हैं। तो इसलिए बेटा आप लोग अपने अपने घर में रहिए, अपनी मम्मी पापा के पास रहिए, बाहर किसी भी काम से मत जाइए, बिना मतलब बड़ों के साथ ही बाहर जाइए, अकेले बिल्कुल भी बाहर मत जाइए। अगर स्कूल के पास या कहीं भी कोई अननोन पर्सन आप लोग को बुलाता है या कुछ करता है तो उनको इग्नोर करिए और उनसे दूर ही रहिए। और प्लीज़ बेटा अपना ख्याल रखिएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत घबराई हुई भी हूँ, दिमाग में अजीब सी लगती हैं ये बातें कि बच्चों को पकड़ने वाले निकले हुए हैं। अल्लाह खैर करे, सबके बच्चों को महफूज रखे अल्लाह ताला, बस यही दुआ है। तो बच्चों प्लीज़ ख्याल रखिए अपना, अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहिए, उनकी आँखों के सामने रहिए। तो ये आ गया है मेरा खाना। तो फ्रेंड अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग और रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं सो गई फौरन, और आज मेरे गले में भी दर्द है, यहाँ बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है गले में दर्द और फीवर का, आज थोड़ा थोड़ा सा मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। और बस मैं ये व्लॉग चलते चलते सेकंड डे लग गया है, तो आज मैं अपना नया व्लॉग फिर से स्टार्ट करूँगी और ये वाला व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ मायरा उड़ गई थी, मैंने उनको दोबारा सुलाया है, अभी मायरा कम से कम 1 घंटा और सोएंगी, उसके बाद उठेंगी। और मायरा की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, उसे भी कोल्ड हो गया है, फिर से बीच में ठीक हो गई थी, कल से फिर उसको कोल्ड हो गया है। तो फ्रेंड्स चलती हूँ, कल मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।